हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ने वाले एक्सप्रेशन फॉर सेफ्टी स्पीड ऑन अ बैंक रोड। बैंक रोड का मतलब होता है कि आउटर एज जो है इनर एज से स्लाइटली बाय एंगल बड़ी होती है। हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए, डायग्राम में बताया गया है कि इनर एज और आउटर एज, थोड़ा आउटर एज है स्लाइटली अपवर्ड है, ठीक है। तो ये कर रोड है, बैंक कर रोड मूविंग हो रही है, एक व्हीकल है जो मूव हो रही है। तो हमने उसका क्रॉस सेक्शन देखा तो हमें पता चला कि ये एंगल बना रहा है थीटा और ये जो व्हीकल है वो मूव हो रही है। तो हमने इसका डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन से आपको स्टार्टअप करना होगा। अगर आपको ये डेरिवेशन पूछा जाता है, मैक्सिमम 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अगर पूछा जाता है तो आपको डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करना है। कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास एम मूविंग ऑन अ बैंक रोड ऑफ एन एंगल थीटा विथ वेलोसिटी वी। तो हमने यहाँ पे दिखा है कि एक व्हीकल मूव कर रही है ऑन बैंक रोड, एंगल थीटा है और इसकी वेलोसिटी जो है वी है। द वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड बाय दिस व्हीकल। ये जो व्हीकल है इस पे वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्स लगने वाले है। अब कौन कौन से फोर्स लगेंगे हम देखेंगे। यहाँ पे वेट जो है, जो व्हीकल का जो वेट है वो ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा, ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इंक्लाइन हो कोई से भी, मतलब व्हीकल इंक्लाइन हो या स्ट्रेट हो या कुछ भी हो, उसका जो वेट लगेगा वो ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नॉर्मल जो रहता है, नॉर्मल फोर्स लगेगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स जो लगने वाला है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फिर एक कर रोड पे मूव कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा। कर रोड पे मूव करने के लिए उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा और वो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर। और जो है, जो टायर है, अगर सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड सेंटर लग रहा है तो गाड़ी व्हीकल एक्सपीरियंस द फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व रोड। तो उसे अपोज करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। यहाँ पे कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है कि नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो व्हीकल की सरफेस है उसके लिए ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा। वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स Fs और सेंट्रीपेटल फोर्स Fcp। अब यहाँ पे हम जाएंगे डेरिवेशन की तरफ। अभी हमने यहाँ पे डायग्राम निकाली है तो डायग्राम में देखिए, यहाँ पे व्हीकल है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर सरफेस नॉर्मल, Fcp टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द सरफेस और बैकवर्ड लगेगा। गाड़ी पीछे मूव कर रही है, टू व्हीलर जो व्हीकल है वो इस तरफ मूव करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगा। तो हमने देखा कि ये जो 90 डिग्री बना रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा वो थीटा, तो ये भी एंगल बनेगा थीटा, ठीक है। तो ये थीटा, तो अपोजिट एंगल से ये बनेगा थीटा। तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल थीटा, तो अपोजिट एंगल से ये भी झड़ बना रहा है, तो झड़ से ये भी एंगल बनेगा थीटा। तो हमने देखा है कि अलोंग थीटा हम लेते हैं कॉस थीटा, अवे फ्रॉम थीटा लेते हैं हम साइन थीटा। तो ये जो अलोंग थीटा जा रहा है यन थीटा की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे यन कॉस थीटा। और जो अवे फ्रॉम जाएगा, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक परपेंडिकुलर और दूसरा जो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकलेंगे यहाँ पे निकलेगा यन साइन थीटा। उसी तरह से Fs फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो अलोंग थीटा जा रहा है तो Fs कॉस थीटा, अवे फ्रॉम थीटा जाएगा तो Fs साइन थीटा। अगर मैंने इसको एक, मतलब कंपोनेंट को एक ही पॉइंट में लिख दिया तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ये होगा यन कॉस थीटा। नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं Fs साइन थीटा और जो डाउनवर्ड फोर्स ऑलवेज लगेगा वो रहेगा mg। और इस तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स Fs कॉस थीटा और दूसरा फोर्स लग रहा है यहाँ पे n साइन थीटा नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट, और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे वो है सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हमने देखा कि जो कंपोनेंट है, जो फोर्सेस है, उसको हमने कंपोनेंट में डिवाइड किया है और एक ही एक्सिस के अलॉन्ग लाया है तो हमें ये सॉल्व करने में आसान रहेगा। आप लोगों को ये डायग्राम याद रखनी है, या फिर याद कर लो इसे, फिर या फिर आप जा सकते हैं कंसेप्चुअल भी जा सकते हैं। एंगल थीटा बना रहा है, अपोजिट एंगल थीटा तो अलोंग थीटा यन कॉस थीटा, अवे फ्रॉम थीटा यन साइन थीटा, ये भी अलोंग थीटा यन Fs कॉस थीटा और अवे फ्रॉम थीटा Fs साइन थीटा, उसे हमने कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्सेज दिए गए और यहाँ पे दिए गए अलोंग वाई एक्सिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व किया है अलोंग एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। यहाँ पे Fs जो फ्रिक्शन फोर्स है वो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो चुका है। Fs कॉस थीटा उसे बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन, Fs साइन थीटा उसे बोलेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद हमारे पास आता है n कॉस थीटा जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल, और यहाँ साइन थीटा आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को
एक साथ लेंगे। तो यहाँ पे निगेटिव डायरेक्शन में तीन फोर्स है, एफसीपी, एन साइन थीटा और एफ एस कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में मतलब पॉजिटिव एक डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है। तो इसलिए हम सीधे सीधे ले सकते हैं डायरेक्शन उसके निगेटिव, इसलिए माइनस एफसीपी माइनस एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एफसीपी जो है वो फ्रिक्शन फोर्स है, एन साइन थीटा जो फोर्स है नॉर्मल फोर्स और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और एफ एस कॉस थीटा वो है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमें पता है एफसीपी इक्वल टू हमारे पास आता है फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी एफसीपी इक्वल टू सेंटीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। उसके बाद नॉर्मल फोर्स हमें पता है तो एन कॉस थीटा उसके वैल्यू, और एफ एस जो रहता है वो फ्रिक्शन फोर्स रहता है, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम बाद में लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास आता है, और जो सेंटीपेटल फोर्स है वो ऑलवेज माइनस में रहता है ना, तो इसे हम माइनस लिखेंगे, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय आर, माइनस और माइनस प्लस हो गया, माइनस एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। उसके बाद हमारे पास आएगा एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू उस साइड एन कॉस का ले गए, तो एन कॉस थीटा सॉरी एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, ये इक्वेशन बन गया हमारा वन। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे वाई कंपोनेंट को अगर रिजोल्व करते हैं फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन, फोर्सेस अलोंग y डायरेक्शन, तो हमें मिलता है यहाँ पे अपवर्ड, अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे n cos थीटा, तो अपवर्ड फोर्स है यानी पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव, तो n cos थीटा पॉजिटिव या राइट साइड हैंड साइड पे, और यहाँ पे बन गया हमारे पास बन गया माइनस बन गया यहाँ पे एफ एस साइन थीटा और माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे एम जी रख देते हैं, तो एम जी इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया, तो माइनस एम जी अगर लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उस साइड जाने के बाद एन कॉस थीटा हो जाएगा निगेटिव, तो एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ठीक है, और एम जी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम जी इज इक्वल टू बन गया एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, इक्वेशन बन गया हमारा सेकंड। अब इन दो इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू वी गेट, तो हमारे पास आया एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा। तो यहाँ पे देखिए एम और एम जो मास है सेम है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास आता है वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी फ्रिक्शन फोर्स को लिखते हैं एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आता है वी स्क्वेयर बाय आर जी इज इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस एफ एस की जगह म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, एफ एस की जगह म्यू एस एन साइन थीटा। तो हम डिवाइड करेंगे इसे डिवाइडिंग बाय एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा से अगर डिवाइड करते हैं वी स्क्वेयर बाय आर जी इज इक्वल टू, यहाँ पे बन जाएगा अलग अलग डिवाइड करेंगे एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा, और उसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास एन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन कॉस थीटा। तो एन एन कैंसिल हो गया, कॉस्टा कॉस्टा कैंसिल हो गया, एन एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एन कॉस्टा कैंसिल हो गया, यहाँ पे एन और एन कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक साइड बताया राइट हैंड साइड में हमें मिल गया वी स्क्वेयर अपॉन आर जी इज इक्वल टू, यहाँ पे बचता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस बनता है टेन थीटा प्लस यहाँ पे बचता है म्यू एस डिवाइडेड बाय यहाँ पे बचता है वन माइनस म्यू एस इंटू साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड हो गई वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू एस टेन थीटा। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड हमारे पास आ गई यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ थीटा एंड फ्रिक्शन के फॉर्म में आ गई।
तो यहाँ पे आप केस नंबर वन लिखते हैं ऑन हॉरिजॉन्टल रोड माने यानी विदाउट बैंकिंग और थीटा इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में रखने के बाद थीटा इक्वल टू जीरो हमारे पास बनता है वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन जीरो यानी जीरो प्लस म्यू यस डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू यस इंटू जीरो। तो हमारे पास इक्वेशन बन गया वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी इंटू म्यू यस। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू एस आर जी मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। और हमने ये यहाँ पे स्पीड जो है वो पिछले क्लास में हमने निकाला था। तो वी स्क्वायर जो हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम स्पीड आती है वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी। और सेकंड केस लेते हैं यहाँ पे आते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन हॉरिजॉन्टल रोड। तो यहाँ पे कितना आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू आर जी। तो यहाँ पे सेकंड केस है हमारे पास फ्रिक्शन इज जीरो यानी म्यू एस इक्वल टू जीरो हो गया। तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे है वी स्क्वायर अप इक्वल टू आर जी इंटू टैन थीटा इक्वल टू टैन थीटा प्लस म्यू इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस म्यू इंटू टैन थीटा। तो हमारे पास बन गया यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी टैन थीटा। तो हमने ये भी निकाला है टैन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी और थीटा इक्वल टू बन गया हमारे पास टैन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। बैंकिंग ऑफ रोड के लिए मैक्सिमम सेफ्टी डिवाइडेड बाय आर इंटू जी। ये भी फार्मूला हमने पिछले क्लास में निकाला था। दिस इज द ऑल अबाउट द बैंकिंग ऑफ रोड और उसका डेरिवेशन। डेरिवेशन मैक्सिमम 4 या 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है लेकिन पैटर्न चेंज होने की वजह से इस पर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं।